हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम मशरूम और मटर की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और मुझे तो बहुत पसंद है। और बिना मसाले पीसे हो, चलो देर नहीं करते हुए ये सब्ज़ी बनाते हैं। ये मटर लिए मैंने एक कटोरी और मशरूम एक पैकेट लिया था। इसको गर्म पानी में मैंने सोख करके रखा है। और ये चार टमाटर और दो बड़े अनियन और एक छोटा छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, और 8-10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं। बिना मसाले पीसे और इतनी झटपट बनेगी ये सब्जी। इसमें मैंने बड़ा चम्मच तेल ऐड कर लिया है कुकर में, और थोड़े से हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, जिसमें मैंने एक लाल मिर्ची और थोड़े सा सीमन और जीरा है। ये भुन गए हैं, इसमें मैं ऐड करूँगी अब हल्का चॉप कर लिया है मैंने ये प्याज। ये देखो, आप बिना मसाले पीसे इतनी टेस्टी सब्जी बना सकते हैं कि बहुत ही। अब मैंने ये चार टमाटो जो लिए थे ये मैंने काट लिए हैं, इसमें ऐड कर दिया है। जब तक ये मैश हो रहे हैं अच्छे से और ये भी बिल्कुल तेल छोड़ने लग जाएंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने सारे मसाले। सॉरी, इसमें ना कैमरे पे थोड़ा सा स्टीम आ गई थी तो मैं वीडियो सही से बनी नहीं थी। देखो, ये मसाला हमारा सही से भुन गया है। अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें सारे अपने मसाले, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब कुछ आप मेरे कहने से इसे एक बार बनाइए। और आप इसे पराठे, रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर जल्दी में बनाना है आपको और आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से बनाइए। ये देखो, मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, अब इसे अच्छे से भुनने देंगे। ये देखो, मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार है। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी। सारी मटर ऐड होने के बाद मैं इसे चला के अच्छे से, फिर इसमें मुझे मशरूम ऐड करने हैं। और मैंने मशरूम वो फ्राई करके लिए हैं, क्योंकि मैंने साइड में फ्राई कर लिए थे उनको, और फ्राई करके मशरूम बनाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखे। आप सबके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, और ऐसे ही मेरे सहयोग रहे बनाए रखें। ये मैंने एक कटोरी इसमें पानी ऐड कर लिया, और 2 सीटी लगने तक हम इसका वेट करेंगे। ये देखो, बन गई है ये। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। मैंने इसे रोटी के साथ इंजॉय करा था और बहुत ही टेस्टी लगी थी मुझे ये रेसिपी। मेरी रोटी बन गई है, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी है। लाइक एंड शेयर।